હાર્દિકા જોશીને મળવા માટે સૌ કોઈ ઉત્સુક છે, આપણે મળીશું. આવી રહ્યા છે હાર્દિકા જોશી લાઈન ઉપર. દર્શક મિત્રો, એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર. હેલો હાર્દિકા, કેમ છો? બસ ફાઇન. આખરે તું આવી ગઈ લાઈન ઉપર. ખૂબ સરસ થાય છે તને જોઈને, કારણ કે સુરત ની દીકરી છે તું, અને મને ખ્યાલ છે મારા હાથ નીચે તું ખા ટ્રેન પણ થઈ છે. મને ખૂબ ગર્વ થાય છે આજે કે તું સરસ આગળ વધી રહી છે એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં. તો સાથેનો અનુભવ તારો કેવો રહ્યો, અને તું જે ફિલ્ડમાં વર્ક કરે છે તો ફિલ્ડની તારી જે જર્ની છે એના વિશે આજે અમારા દર્શક મિત્રોને વાત કરીશું. આમાં એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલમાં તારું સ્વાગત કરું છું. અરે હું બહુ દૂર તારાથી, તારે ડરવાની જરૂર નથી, બહુ જ દૂર છું હું તારા. બિલકુલ બિલકુલ. આપણે હિન્દીમાં વાત કરીએ બીકોઝ મારા ઘણા બધા આપકે હાથ નીચે આપકે સપોર્ટ સે ગાઈડલાઈન સે મેં યહાં તક પહોંચી થી બેશક, ક્યોંકિ મેરી શરૂઆત હી સુરત ચેનલ સે થી જબ મેં એઝ અ રિપોર્ટર એન્ડ એન્કર થી. તો આપને કાફી કુછ મુજે સિખાયા હૈ જિસકી વજહ સે આજ યહાં તક ઇસ જગહ પે પહોંચને કે મેં લાયક બન પાઈ. તો સબસે પહેલે તો આપકા બહોત સારા શુક્રિયા હૈ. દિલ સે મતલબ મુજે એસા લગ રહા હૈ કે કુછ હાસિલ તો મેને કિયા હૈ. તો વો આપકી બ્લેસિંગ્સ હૈ, આપકી સિખાઈ ગઈ બહોત સારી ચીઝે હૈ જિસકી વજહ સે આજ યહાં તક પહોંચ પાઈ હું મેં. જી જી જી. मुझे भी बहुत खुशी होती है जब तेरे पोस्टर्स वगैरह देखती हूँ ना, बहुत ही खुशी होती है. मैं गर्व से बोलती हूँ कि ये मेरे साथ थी, मैंने उसको ट्रेन किया हुआ है और सूरत की है, तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है. तो थैंक यू सो मच, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ तुझे कि बहुत तू आगे बढ़े और ऐसे ही बड़ी स्टार बन के आगे उभर आए. तेरे में टैलेंट है तो मैंने वो टैलेंट को देख के तुझे गाइड किया था कि तू इस फिल्म में जा सकती है. तो इस फिल्म में जाने के बाद तेरी जर्नी कैसी रही? हम सीवन वाला जो एंकर है वो भी हमारे साथ जुड़ेगा, बट बेस थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जर्नी काफी मुश्किल थी, बट अगर जर्नी मुश्किल नहीं होती तो वो जर्नी ही नहीं होती. सो जर्नी काफी मुश्किल थी बिकॉज सूरत से अचानक से मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में जाना एक बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए. बिकॉज पहले तो मुझे मुंबई शहर को समझने में काफी टाइम लगा, उसके बाद मुंबई के लोगों को समझने में टाइम लगा, फिर इस इंडस्ट्री को समझने में टाइम लगा. तो काफी कुछ मुश्किल था, बट ये था कि कुछ करना है और अच्छा ही करना है. और बहुत कुछ काम थोड़ा बहुत यहाँ जो भी गुजराती इंडस्ट्री में जो भी फिल्में वगैरह जो मैंने की थी उसकी वजह से एक सपोर्ट ये था कि मैं
कैमरे को बहुत अच्छे से फेस कर सकती थी, बिकॉज रिपोर्टिंग भी किया था, एंकरिंग भी किया था, तो दोस्ती तो और कैमरे के साथ मेरी काफी अच्छी थी, तो वो मुझे काफी हेल्पफुल रहा और मैं काफी अच्छे से वहाँ परफॉर्म कर पाई, और धीरे धीरे जो वो शुरू हुआ वो भी आज तक चल ही रहा है। जी, बट सबसे पहले जाके कौन सा, मतलब कैसे ऑडिशन किया और कैसे, मतलब फर्स्ट आपका कौन सा सीरियल या कौन से उसमें काम किया आपने? अच्छा, फर्स्ट तो वैसे मैंने जाके थोड़ा टाइम तो खुद को समझने में और इंडस्ट्री को समझने में निकाला, बिकॉज वहाँ बहुत लाइक ऐसा होता है कि वहाँ लोग भागते हैं, हम यहाँ चलते हैं वहाँ लोग भागते हैं, तो पहले तो उन लोगों की स्पीड को पकड़ना बहुत जरूरी था, तो मैंने वही किया। एंड आफ्टर दैट मुझे सबसे पहली जो वहाँ सीरियल मिली वो थी पारस चैनल की थी, महासती मैना सुबरी, वो जैन चैनल है, तो मैंने सबसे पहले लीड उसमें किया एज अ रानी लक्ष्मीबाई। एंड उसके बाद से फिर मुझे और शोज मिलते गए, और उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया, गुजराती थिएटर, जिसका मैंने जो शो किया उसका नाम था बार बार देखो, तो वो भी मैंने काफी अच्छे से उसे किया, उसे काफी शो करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि यस मैं अब अच्छे से काम कर सकती हूँ और मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, बिकॉज स्टेज परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया। तो फिर ऑडिशंस देती गई, फिर मैंने जी टीवी का शो किया, फिर मैंने स्टार प्लस का शो किया, क्या नाम था इसका, जी टीवी का मैंने अघोरी शो किया, उसके बाद स्टार प्लस का मैंने जो शो किया वो नमन लक्ष्मी नारायण किया, फिर तेनालीरामा सब टीवी के साथ किया मैंने, तो बस ऐसे ही धीरे धीरे काम मिलता गया, वेब सीरीज वगैरह किया, तो बस वो जर्नी वहीं से शुरू हुई है जो आज तक चल रही है, बट जर्नी शुरू आपसे हुई थी। मेरे से शुरू हुई है, शायद मेरे से ही खत्म हो, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल ही आगे आप अच्छी तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ो। आपके जो फैन है उसमें से एक्टर प्रणव आपको कह रहे हैं हाय आरतिका, नाइस सेइंग यू ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन देख के उनको खुशी हो रही है। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी गए हैं, और दीपक वाले को हम वापस ज्वाइन करते हैं, तब तक के लिए हम किसी बात भी करेंगे। शिवम आ जाएगा अभी ऑनलाइन में, जो उनके साथ भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, आपके साथ वो शेयरिंग करेंगे ये। शिवम आ जाइए आप भी ऑनलाइन जल्दी से। बहुत सारे लोग जो हैं वैसे, मतलब मुझे काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं कि मैम प्लीज आप एक बार तो लाइव और वो आपके थ्रू आज हो पाया, तो काफी वही मेरे से, हाँ। नहीं, लाइव आने की शुरुआत भी मेरे से ही हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। शिवम आए तब तक हम और बात करते हैं, तो अभी एक्टिंग फील्ड में आपका कुछ नया प्रोजेक्ट चल रहा है क्या? हाँ बेशक, बातचीत चल रही है, मतलब अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा कुछ रुका हुआ है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आती मैं कुछ बता नहीं पाऊंगी, बट बेशक आप मुझे बहुत ही जल्दी एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे से शो के साथ देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम देखना चाहेंगे आपको, और जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं वो सब भी बहुत खुश है आपको देख के, और सभी ने आपको हेलो भी कहा है, और जो सूरत के हमारे लोग हैं वो भी देख रहे हैं आपको, सूरत में भी आपके बहुत सारे फैन होंगे मेरे ख्याल से, तो वो भी देख रहे हैं। तो अभी क्या प्लानिंग है आपकी? अभी तो मुझे लगता है इस साल सिर्फ सर्वाइव करना है, कोरोना से बच जाना है, बाहर निकल जाना है, खुद को संभाल लेना है, और मुझे लगता है ये सभी के लिए जरूरी है, बस इस बार हम लोग कोरोना को हरा दे, उसके बाद तो फिर हम जीत ही जाएंगे, तो अभी तो सिर्फ सर्वाइव करना मैं चाहती हूँ इस साल, एंड नेक्स्ट ईयर बहुत कुछ आप लोगों के लिए लाया जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी, ये टाइम मुश्किल जरूर है, बट इतना भी नहीं कि हम इसे निकाल ना पाए, तो हम सभी को लड़ना है इससे, और हम सभी को जीतना है,
कृष्ण जी ने कहा है कि ये टाइम भी चला जाएगा, बस उसी स्लोगन को साथ रखते हैं और बस चल जाते हैं, तो बहुत जल्दी इसमें से निकल जाएंगे। और अभी तो श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो महादेव से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ उनकी कृपा हो जिससे ये जो भी कोरोना जो पूरे देश में मतलब पूरे विश्व में फैला हुआ है उससे हम लोग निजात पा पाए। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू आ रही है, सुबह हमारे साथ जी, नहीं सूझ रहा शायद, यहाँ आज बारिश भी बहुत हो रही है। हाँ, सूरत में भी काफी कोरोना के केसेस बढ़ चुके हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो आज हम लोगों ने भी लाइव घर से ही करने का सोचा कि सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं है, हाँ, लोगों को और एक वीक तक घर में रहने के लिए बोल रहे हैं। तो और आपके जो फैन है रुचि सेवक, हाय कैसे हो, रहे हैं? ऑल वेल, या ऑल वेल, आप सब कैसे हैं? प्रणव जी हेलो जी, मैं खुश हूँ बिकॉज मैं यामिनी जी को माँ कहती आई हूँ और उनसे काफी कुछ सीखा हुआ है। जब हम साथ में थे तो मैं उनको माँ कह के बुलाती थी, और आज वही अभी भी वैसे वो मुझे बुलाती है, लेकिन मैंने उसे बोला था कि इस बात में मुझे मम्मी मत बोलना, नहीं बोलना या तो इस वजह से भी ज्यादा खुश हूँ कि आज उनके सामने हूँ। तो हेलो शिवम, हेलो हार्दिक, हेलो वैभव, आप देखिए आपके बहुत सारे फैन ऑलरेडी ऑनलाइन आ गए हैं, तो आप बात कर सकती है ऑनलाइन में। तब तक हम ट्राई करते हैं कि जी 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 शिवम जुड़ जाए। जी 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 हार्दिक, मुझे पता है मैं आपके मैसेज देखती हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। सकते हैं तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो उनको। हाय आशुतोष, आपके साथ जुड़ तो गया है वो, मतलब नीचे देख रहे हैं आप, तो उसमें पढ़ के आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। मैम प्लीज जॉइन मी। अच्छा, सो ये मुझे कैसे करना है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। नहीं, बस आप क्वेश्चंस पढ़ के उनको रिप्लाई करिए। अच्छा, okay. आप इसमें ही ऑनलाइन में ही आप उनको पूछ लीजिए जो भी पूछना है। जी शिवम, हम आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको सारे रिप्लाई यहीं से करती हूँ। जी बहुत ही अच्छी बात है। हाय रिद्धि, मैं बेशक कोशिश करूंगी अगर आपको ज्वाइन कर पाऊँ तो। यामिनी मैम ज्वाइन ऑलरेडी ज्वाइन हो ही गया हो, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं आ रही है शिवम, तो कुछ भी टेक्निकल इश्यूज लग रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। तो आप ऐसे ही उनसे बात कर लीजिए। या प्रणव जी, मुझे एक्चुअली रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ना, अगर वो आ जाती तो मैं बेशक उसे एक्सेप्ट कर लेती, बट वो मुझे आ नहीं रही है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बस वही, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। मुझे तो आज जाना है, तो कैसे जाए? अगर जिनको भी इस फील्ड में जाना है, तो सबसे पहले तो खुद के अंदर जो एक एक्टर है वो आपको पहचानना पड़ेगा कि आपके अंदर एक्टर है या नहीं है। और दूसरा कि अगर है तो जम के मेहनत कीजिए, किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। सबसे बड़ा गॉडफादर अपना मेहनत रहता है, तो बस वही मेहनत कीजिए और रास्ते अपने आप मिलते जाएंगे। और भी किसी ने आपको कुछ लिखा है कि आफ्टर वैशाली? मैं बहुत कम लाइव आती हूँ, मतलब आती नहीं हूँ, ये थर्ड टाइम मुझे लग रहा है मैं थर्ड टाइम लाइव हूँ, और वो भी स्पेशली यामिनी मैम की वजह से। उनको थैंक यू कहिए, स्टूडियो पे बुला के आपका लाइव करते। जी जी, आपका एक्टिंग के अलावा कोई और शौक? सिंगिंग। पता है मुझे कि आप न्यूज रीडिंग भी करती थी, एंकरिंग तो अच्छा ही कर लेती थी, लेकिन कुछ गाने का शौक हो, ऐसा कुछ हो तो हमारे दर्शकों को? अरे बाबा। अच्छा, तो मैं, मुझे वैसे गाना गाना बड़ा पसंद है, और मैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत अच्छा गा लेती हूँ, तो वही वही से शुरू किया जाए। आपको कह रहे हैं एक्टर प्रणव, कह रहे हैं कि आप एक कविता सुना दीजिए।
प्रणव जी, मुझे एक्चुअली अभी कोई कविता याद नहीं है, मुझे उसे देखना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं सुना पाऊंगी, बट हाँ मैं मुझे और लास्ट शिवम टाइम ने ही भी करूँ। आपको पूछा है जी, सो आई हाँ हैव टू शिवम, आस्क द हियर ओनली, सो हार्दिका व्हाट यू हैव डन इन लॉकडाउन? लॉकडाउन बहुत कुछ बहुत कैसा रहा, मतलब कैसा रहा आपका दिन? सब काफी पूरे दिन घर में ही बैठा है रहना पड़ा, तो आपने क्या किया घर पे बैठ के? मैंने बहुत एंजॉय किया घर में बैठ के। मेरे में बहुत सारी कमियां थी, जो मैंने जितने भी शोज अभी जो किए हुए हैं, जो भी एपिसोड्स वगैरह हैं उसे देखा मैंने। अपने जो भी ऑडिशन क्लिप्स थे वो, फिर अपने लुक पे वर्कआउट किया है मैंने, बिकॉज वैसे नॉर्मली हम लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो सबसे पहले उसी पे वर्कआउट किया गया है। जो कमियां थी उसे सुधारने की कोशिश की गई है, उसे समझने की कोशिश की गई है, और बहुत सारा खाना बनाना सीखा है। मैं बड़ी फूडी हूँ खाने में, तो मुझे पानी पूरी का बहुत शौक है। सो मैं वाह, पानी पूरी का पानी घर बना लेती थी, बट मैंने लॉकडाउन में पानी की पूरी बनानी सीखी है। मतलब मुझे पानी पूरी की पूरी वाह, बनानी आ गई है। सो ये सीखा है बहुत ही बढ़िया। मैंने। तो हमें भी बना के आप खिलाइएगा। बेशक बेशक आपने आप बेशक। आपको आपकी कविता सुननी है, तो आप सुनाइए आपकी कविता। कविता तो मुझे एक्चुअली मुझे उसमें देखना आपके जो पड़ेगा, फैन है बिकॉज उनकी रिक्वेस्ट है कि आप एक कविता सुनाइए आपकी। मैं बिल्कुल सुना दूं। मैं मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए दिया जाए बिकॉज मुझे वो याद नहीं है। मैंने लिख तो दी है बट मेरी इतनी शार्प बिल्कुल मेमोरी नहीं है, मुझे याद नहीं है, मुझे वो बिल्कुल, हम देख के टाइम सुनाना दे रहे हैं पड़ेगा। आपको, जी बिल्कुल हम टाइम दे रहे हैं आपको, बट आप जी सोचिए तब तक आप नीचे जो लोग आपको बोल जी रहे हैं जी हाय, जी तो जी उसको भी जी आप रिप्लाई करते रहिए। जी 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 जोशी जय बहुत सारे लोगों हाय, ने आपको जी, उमंग हिरापरा हाय, हिरल जोशी हाय, हाय शिवम, हाय तेजल, रिक्वेस्ट कैन यू प्लीज ऐड मी। शिवम नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगी, अगर आज भी हो पाया तो बेशक, बट आई'ल ट्राई, मैं कोशिश करूंगी। તમારી કવિતા ખૂબ હાર્ટ ટચ કરે એવી હોય છે એવું તમારા દર્શકનું કહેવું છે, તો સુનાઈ દીધી આપ उसे आप एक से ठीक है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं सुनाती हूँ, बिकॉज मुझे, मैंने बताया ना, मुझे देखना पड़ेगा। मैं लिखने के बाद भूल जाती हूँ, वो एक जोनर होता है जब आप तो सोचते हो और हमारा उसे लिख ऐसा देते हो। करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम एक सेशन रखेंगे सिर्फ आपकी कविता का सेशन होगा, सिर्फ सिर्फ बेशक। आप और कविताएं सुनाएंगी, तो जी बहुत जी आप मिलेंगे। जी तो जी ये तो हम खत्म करते हैं अभी फिलहाल, जी और नेक्स्ट सेशन में हम वापस मिलेंगे, तब तक आपका सिर्फ कविता का आपका शो रहेगा। लास्ट में दर्शकों को आप क्या कहेंगे? बस यही कि ऐसे जुड़े रहो हमारे साथ, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देते रहो। आपकी आपकी ब्लेसिंग्स है तो हम हैं, और मुझे लगता है कि हम जितने भी एक्टर हैं उनको सबसे ज्यादा आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, और वो आपकी मिलती बिल्कुल जुलती। मेरे बहुत बिल्कुल ज्यादा फैंस नहीं है, बट मैं एक चीज आज बेशक कहूंगी कि मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं मतलब मुझे लगता है आई एम लकीस्ट गर्ल और लकीएस्ट एक्टर, की मुझे रोज इतने मैसेज होते हैं, सिर्फ वही होते हैं कि मैम आप अपना ध्यान रखिएगा, आप सुरक्षित रहिएगा, जो भी मेरा जब भी बिल्कुल एपिसोड्स वगैरह आता है सब देखते हैं, और उसके बाद उनका मैसेज होता है कि आपको देख के आज हमारा दिन बन गया। तो बस आपके दिन बने हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके महीने बने, आपके साल बने, और बस ऐसे ही जिंदगी भर हम आपके साथ बने रहे, यही मेरी बिल्कुल दुआ है, बिल्कुल और मैं यही चाहती हूँ। जी, जफर भी जी दार जी ने भी बोला है कि वेल स्टाइल, और हमारा जी सेशन आज का बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत जी सारे लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। जी आप जी बिल्कुल। तमारा सक्सेस की पाछड़ कौन छे वो कोई पूछी रह्यू छे तमने, के तमारा दर्शक पूछी रहा छे आपने, सबसे पंचाल पहले तो पंचाल वैशाली, या हमारी हमारी जी सक्सेस पाछड़, सॉरी हिंदी, मेरी सक्सेस के पीछे सबसे पहले कहूँ तो मेरे फादर, जिन्होंने मुझ पे इतना सारा भरोसा किया, बिकॉज मुंबई कभी भी आसान नहीं होता, मुंबई की लाइफस्टाइल कभी आसान नहीं होती, तो उन्होंने मुझे वहां तक भेजा मुझ पे भरोसा करके, और बिल्कुल सपोर्ट भी किया। सो बेशक मेरे फादर, सेकंड जिन्हें आप मेरे साथ लाइव देख रही हैं, मैम यामिनी मैम, बिकॉज मैं उनके साथ सूरत चैनल में थी, तो वो मुझे हमेशा गाइड करते थे कि हार्दिका कैसे बोलना है, कैसे स्टैंड, मतलब कैसे किसी के सामने खड़ा रहना है, कैसे क्या करना है, तो बहुत सारी चीजें उनकी सिखाई गई थी जो है, जो आज मुझे उस काबिल ले आई है।
और मतलब फैमिली फैंस और मेरे जो दोस्त वगैरह हैं उन सबका मुझे काफी सपोर्ट रहा है और आप लोगों का तो है ही, और यही मेरी सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है हार्दिका, नेक्स्ट सेशन में हम वापस मिलेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ऐसे ही लाइव जुड़ के, और बहुत खुशी भी हो रही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम कविता के आपकी कविता सुनने के लिए वापस मिलेंगे। तब तक जी, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय। तो शिवम के साथ हम जुड़ेंगे वापस। शिवम आ जाइए आप लाइव पे। शिवम आए तब तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी की जो सिचुएशन है लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन में, कोरोना इस तरह से बढ़ रहा है अभी, कि आप सब चाहती हूँ कि आप अभी फिलहाल घर पे ही रहे। अगर आपको कोई काम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो घर से बाहर ना निकले। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। शिवम कहिए आप, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यू आ रही थी, तीन लोग साथ में मेरे ख्याल से नहीं जुड़ सकते हैं, तो टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग नहीं जुड़ पाए। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं आज आपका इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ हमारे दर्शकों को, तो इसलिए मैंने आपको लाया है। ऑफिशियली ये एंकर शिवम को आप देख रहे हैं, वो एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड का ऑफिशियल एंकर है। तो अभी से जितने भी सेशंस रहेंगे वो इन्हीं के हवाले रहेंगे, वो पूरे हैंडल करेंगे सबको, और काफी सारे हम लाइव भी करने वाले हैं। तो शिवम आपको हमारे साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? जी वैसे मैंने हाल ही में ये चैनल ज्वाइन किया है, लेकिन जो मैंने नोटिस की है वो ये बात है कि इतने कम समय में और इस सिचुएशन में बहुत अच्छे प्रोग्राम हमने डेली बेसिस पे अरेंज करे हुए हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन की अवेयरनेस, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हो, तो ये सारी चीजों पे हमने काफी इंटरव्यू करे हुए हैं। एंड ऑब्वियसली यामिनी मैम ने मुझे गाइडेंस दिया हुआ है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं जब वो पहली बार आया था तो पहला ही दिन था, एंड यामिनी मैम ने कहा कि आप बैठ जाइए, तो मैंने कहा कि मैम मैं पहले आपको एक बार देखना चाहूंगा, और वो तब 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और वो दिन से फिर मैम ने गाइड किया और मैम ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहां पे जाके बैठूं और जो है इंटरव्यू कंडक्ट करूं, और उन्होंने मुझे करने दिया और उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरीके से होती है। एंड शी ऑल्सो सॉ अ स्पार्क इन मी, एंड शी देन उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उनके यहाँ पे मैं ऑफिशियली फिर एज एन एंकर में ज्वाइन हूँ, और आई होप कि और काफी सारे अच्छे प्रोग्राम और सेमिनार में आपके साथ ज्वाइन कर सकूं, एक्जोटिक के साथ कर सकूं। जी हमारा भी यही है कि हमारे साथ जो भी काम करता है, जो भी ज्वाइन होता है, उसको हम मोटिवेट करते हैं और ट्रेन करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको हम नाम गिना नहीं सकते हैं शिवम, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हम लोग मिले हैं, और जबकि सिर्फ प्रोग्राम के लिए हम मिलते हैं इसलिए ज्यादा हम बात नहीं कर पाते हैं आपसे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक चैनल के स्टेज पे आके जो भी काम करता है उसकी एक अलग ही दिशा और दशा होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ज्यादा सीखने को मिलता है कोई भी चैनल में अगर आप ज्वाइन करते हैं, चैनल हो या किसी भी एंकर फील्ड ही ऐसा है, जहाँ पे आप ज्वाइन होते हो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज के नए न्यू जनरेशन की हम जब बात करते हैं, आप यंग हो काफी, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, और मेरी चीज से आपको दुआ है कि आप बहुत आगे बढ़े और हमारे चैनल में आके आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिले और तरक्की हो आपकी, ऐसा हम चाहेंगे। तो ऐसे दूसरे सेशन में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए शिवम गुड नाइट। एंड आपको बहुत सारे लोगों ने नीचे कुछ पूछा है तो उसका आप रिप्लाई कर दीजिए तब तक। थैंक यू जफर जी, सर ने मेरा वेलकम किया है, तो जफर सर थैंक यू।
जफर सर इज ऑल्सो डायरेक्टर एंड थैंक्स फॉर गाइडिंग मी। जफर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जफर सर को भी अगर जी हम उनका भी एक सेशन करने वाले हैं उनके साथ भी, तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट हम इंस्टाग्राम पे करेंगे उनका भी कि जफर पीर दादा जी जो मुंबई के बिजनेसमैन है और सोशलाइट भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है और हमारे चैनल के साथ वो जुड़े हैं, मुंबई महाराष्ट्र के वो डायरेक्टर हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। तो चैनल चलाना और चैनल में काम करना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है, अगर सबका साथ रहा तो हम आसानी से बहुत कुछ कर सकते हैं। और चैनल जिस तरह से वर्ल्ड वाइड है, इसमें मुझे मेरा परिवार का भी पूरा साथ है, मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का, बेटा का, सब का मुझे साथ मिल रहा है, तभी आज मैं इस लेवल पे हूँ मेरी बात करूँ तो। और मेरा मोटिव एक ही है कि हमारे चैनल पे जो भी आता है वो कुछ ना कुछ सीख के जाए। हम दर्शकों की बात करें तो दर्शक भी हमारे हैं, वो ऐसे हमारे साथ जुड़े कि अपना खुद का चैनल है ऐसा महसूस करे, इस तरह से जुड़े। और जी क्योंकि आजकल सबको किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं है, तो हम ऐसा चाहते कि ये चैनल पूरा दर्शकों का है और दर्शकों के लिए ही हम पूरे अवेयरनेस के शोज करते हैं, काफी सारे प्रोग्राम्स हम दर्शकों के लिए ऐसे करते हैं कि उनको भी मोटिवेट मिले, मोटिवेट हो जाए वो लोग भी और काफी सारे कुछ सीखने को मिले। यही हमारी चैनल की ये अचीवमेंट है ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके मैम, आपने मुझे पूछा लेकिन मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा जब मैं आपके चैनल में जॉइन हुआ, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, थोड़ा सा जिसमें टैलेंट से दिखता है तो इसीलिए मैंने प्रमोट करने के लिए भी कहा कि चलो मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अगर टैलेंट है तो सिखाने में टाइम नहीं लगता है, अगर कोई नया आ जाता है तो उसको सिखाने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे लगा कि आप में टैलेंट है शिवम, तो और थोड़ा सा पॉलिश करने की आपको जरूरत है, तो आप और अच्छा एंकरिंग भी कर पाओगे, अच्छा होस्टिंग कर पाओगे प्रोग्राम आप जी। हाँ, में टैलेंट बिल्कुल है आपके फैंस आपको बोल रहे हैं और दर्शक आपको देख ही जाए जब आप जितने शोज करोगे चैनल पे, और ये चैनल का माध्यम ऐसा है कि हर रोज आप कुछ ना कुछ करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे शोज आप करते रहेंगे तो बिल्कुल हमारे दर्शकों भी आपके साथ जितना मुझे पहचानते हैं लोग उतना आपको भी पहचानने लगेंगे जी। शिवम शिवम इज ऑसम, आपके फैन ऐसा बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल मेरे फैन जो है जुड़े हुए हैं एंड उनकी ही दुआ है, उनका ही सपोर्ट है जो मुझे इतना प्यार करते हैं और के कारण आज जो मैं स्लोली स्लोली मतलब स्लो एंड स्टेडी विन से रह गया कहा जाता है, लेकिन इनका ही जो मतलब इनका ही जो लव है उनके कारण ही मैं उतना कर पा रहा हूँ, इनका जो प्यार है वो ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर कर पाऊँ, और उसी के लिए पहले मैं एंकरिंग तो करता ही हूँ कॉर्पोरेट एंड वेडिंग, फिर उसी के चलते फिर मैंने और एक अपना सेगमेंट ऐड करने का सोचा और उसके लिए मैं न्यूज एंकरिंग में आया और फिर मैं एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल में जुड़ा। और थैंक यू यामिनी मैम फॉर अलाउइंग मी टू ज्वाइन एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड आपको बोलना है, आप इसके साथ जुड़े हो तो पूरा मतलब आपका जो शॉर्ट आप बोल रहे हो वो नहीं चलेगा, पूरा आपको बोलना पड़ा, अभी मैंने एक सेंटेंस सिखा दिया आपको जी ठीक है, ऐसे ही शिवम आप आगे बढ़ते रहिए और बस हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी आज हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं हमें अच्छा लगा, सबके तो हम रिप्लाई नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअली, तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम हर रोज लाइव आने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे पर्सनालिटीज के साथ हम लाइव बात करेंगे और आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शिवम थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बस लास्ट में एक ही कहना चाहूंगी, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई अब हमारा ऑप्शन नहीं है, और अभी जिस तरह का माहौल है उसमें कोई किसी भी तरह का आपको रिस्क नहीं लेना है,
इसलिए शिवम आपको भी घर पे रहना है, मैंने आपको मना कर दिया है कि आप ऑफिस में मत आइए अभी, ठीक है। तो इस तरह से हम जल्द ही वापस अच्छी तरह से हम सब मिले ऐसी दुआ करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू, या yeah.